अनधिकृत कॉलोनीज हैं पूरे हरियाणा में, शहरी क्षेत्र के अंदर, या जो शहरी क्षेत्र यानी अर्बनाइज से बाहर भी कुछ बन गई हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के हमारा जो टारगेट था कि 2274 अनियमित कॉलोनियों को हमने 31 जनवरी तक पूरा करना है। उसके अंदर अभी तक जो हो चुकी हैं 1673, ये सब हो चुकी हैं। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 210 और कॉलोनी, जिसके अंदर 103 तो टाउन कंट्री प्लानिंग की हैं और 107 अर्बन लोकल बॉडीज की हैं, ऐसे 210 और कॉलोनीज को भी नियमित करने की और मैं घोषणा कर रहा हूँ। इन 210 में अधिकांश जो ज्यादा संख्या के जिले हैं, जैसा सिरसा है 37, पलवल 38, कुरुक्षेत्र 35, रोहतक 20, जींद 16, बाकी सब 10 के आसपास हैं। तो ऐसे 13 जिलों के ये कुल 210 कॉलोनीज को नियमित किया जा रहा है, और जो शेष बची हुई हैं उनका भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 31 जनवरी तक ये सभी कॉलोनीज अनियमित कॉलोनीज को नियमित कर दिया जाए, ताकि वहाँ के विकास कार्य, कुछ कॉलोनीज जो पहले किए थे वो शुरू हो चुके हैं, और भी कॉलोनीज में जैसा जैसा नियमित होती जाएंगे वैसा वैसा उसका बजट हम रिलीज करते जाएंगे। हमने मोटे रूप से इन सब कॉलोनीज के लिए 3,000 करोड़ रुपया अलग से रखा था कि इसमें जितना भी आवश्यकता होगी उतना उसमें हम लगा पाएंगे। जो कॉलोनीज नियमित होती जा रही हैं उनमें सब में, यानी टाउन कंट्री प्लानिंग हो अथवा अर्बन लोकल बॉडीज हो, नो ड्यू सर्टिफिकेट NDC NOC सब जारी किया जाता है, ताकि लोग अपनी रजिस्ट्रेशन जो है उसमें ठीक से करा सकें। हमने दीनदयाल उपाध्याय योजना जैसी योजनाएं भी, आवासीय योजनाएं बनाई हैं, उसका भी आगे विस्तार कर रहे हैं, ताकि लोग अब नियमित कॉलोनियों में ही अपने प्लॉट खरीदे, मकान बनाए। ये जो डेवलपमेंट मशरूम ग्रोथ है, ये डेवलपमेंट ना हो और जो करे नियमित कॉलोनी के आधार पर करे।